घर के घर दरकते हुए चले जा रहे हैं। जोशीमठ में आए आपदा के कारणों का वैसे तो स्पष्ट तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बताया है कि 2-3 जनवरी की रात को उस इलाके में भूगर्भीय जल स्रोत फटने की आशंका है, जिसके बाद से घरों और सड़कों में दरारें आने लगी हैं। 3 दिन पहले तक उस वाटर सोर्स से हर मिनट 500 लीटर पानी निकल रहा था और उसकी वजह से भूगर्भीय चट्टान का क्षरण भी हो रहा था। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चट्टान के भीतर आप देखिए टनल किस तरह से बन रहा है और इसी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाने भी साध रहा है। ये वाटर सोर्स कैसे रप्चर हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जोशीमठ के लोगों का आरोप है कि NTPC के टनल की वजह से ही जोशीमठ पर यह आपदा आई है। आपको हम दिखा रहे हैं कि NTPC की 12 किलोमीटर की टनल कहां और कैसे बनी हुई है। देखिए ये पहाड़ आपके सामने है, ये टनल नीचे की तरफ पानी का जो रिसाव है वो एक जगह पर इकट्ठा था, लेकिन इस टनल की वजह से, टनल खोदने वाले इस मशीन की वजह से लगातार पानी का जो रिसाव है वो नीचे फैलता हुआ चला जा रहा है और इस वजह से आशंका इस बात की जताई जा रही है और इस वजह से जोशीमठ का यह हाल हुआ है। इस तरह के आरोप स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं और विपक्ष भी तमाम तरह के आरोपों और आशंकाओं के जरिए सरकार को घेर रहा है और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की बात कर रहा है। तो इसके जरिए आप देखिए ये टनल को किस तरह से बनाया जा रहा है, टनल खोदने की यह मशीन और नीचे जो पानी का रिसाव है उसके कारण हालात वहां पर खराब होते हुए चले जा रहे हैं। अब जरा हम दूसरा अगर आप दिखा पाए वहां की स्थिति क्या है। देखिए जोशीमठ की जो आबादी है 17,000, ये 2011 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, 2011 के सेंसस के हिसाब से, आज के हिसाब से मान के चलते हैं। जो वहां के स्थानीय लोगों की ओर से भी जानकारी दी जाती है कि तकरीबन 20,000 के आसपास, और यहां पर आपको बता रहे हैं जोशीमठ जो सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति, यहां पर अगर भूकंप की स्थिति बनती है तो इसी वजह से हालात वहां पर खराब हो सकते हैं। भूस्खलन और बाढ़ से सबसे प्रभावित क्षेत्रों में आता है ये जोशीमठ और उसी जोशीमठ को बचाना इस वक्त बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहां के लोगों की रोती बिलकती हुई जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो बहुत बड़ी चिंता पैदा कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच PMO की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री धामी की बैठक चल रही है और उस बैठक के जरिए पहली प्राथमिकता इसी बात पर दी जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को निकाला जाए।